नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। और आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट फरमाइश पे। मैं नाम है आशीष कुमार सिंह दोस्तों, और चलिए ये सब बाकी बातें बाद में करते हैं। अब मैं इतना कहना चाहता हूं दोस्तों कि कौन कहता है कि बैंकिंग के साथ बाकी एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर सकते। यार मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप बैंकिंग के लिए कितना घंटा पढ़ोगे? 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा? मान लो आप दिन में 11 घंटा पढ़ते हो। यार अगर आप दिन में 11 घंटा पढ़ते हो तो एक दिन तो 11 घंटा का नहीं होता, तो बाकी 13 घंटा आपके पास मौजूद है। मतलब आप क्या बाकी 11 घंटे में से बाकी आप 2 घंटा क्या आप एक्स्ट्रा जनरल स्टडीज के लिए दे नहीं सकते? बिल्कुल दे सकते हो यार। अगर आपसे अगर करंट अफेयर्स बन सकता है, स्टैटिक अवेयरनेस बन सकता है, तो आपसे जनरल स्टडीज क्यों नहीं बन सकता? यार यू नीड टू बी मल्टी फैसेटेड। आपको मल्टी फैसेटेड होना पड़ेगा, ऑलराउंडर होना पड़ेगा। आज विराट कोहली को इसलिए हम मानते हैं, इसलिए कद्र करते हैं, क्योंकि विराट कोहली सिर्फ ओडीआई का महान खिलाड़ी नहीं है, वो टेस्ट मैच का भी महान खिलाड़ी है, वो T20 का भी महान खिलाड़ी है, इसलिए हम उस पर गर्व करते हैं। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा, आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, और मैं आपको इसलिए ये करवा रहा हूं, 100% मार्क्स आप ला सकते हो। 100% मार्क्स काफी इजी है ये। देखो द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 50, यानी टोटल कितना होगा? 550। एवरेज अगर 11 है तो टोटल कितना होगा? 50, सॉरी टोटल कितना होगा? 11 × 50। यार ऐसा होता है ना, मैं समझाना नहीं चाहता यहाँ पे। बाय 11 दैट इज इक्वल टू 50, सो ये इधर जाएगा तो A1 प्लस A11 तक कितना आ जाएगा? 550। अब देखो, इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट सिक्स रिजल्ट्स मान लो इसका कितना आएगा? 49। मतलब इनका टोटल सम कितना आएगा दोस्तों? 49 × 6, एंड दैट ऑफ द लास्ट सिक्स इज 52, और लास्ट सिक्स ये कितना है? 52, यानी टोटल कितना होगा? 52 × 6। अब यार अगर इन दोनों को ऐड करूं ना, मान लो यहां पे A1 था अप टू A6 था, तो ये क्या हो जाएगा? A6 अप टू A11। इन दोनों को ऐड करूं दोस्तों तो A6 और A6 दो बार आ रहा है ना, तो A6 कितने बार आ रहा है? दो बार आ रहा है। तो यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, A1 प्लस A2 अप टू A11, यहां पे एक A6 आया है, ठीक है, और एक A6 को मैं बाहर लिख देता हूं ना, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, यानी 6 कॉमन जाएगा, 49 प्लस 52 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब ये 6 × 49 + 52 क्या होता है? 11, 1, 5, 1, 6, 1, 10, 606। अब इसका वैल्यू क्या है दोस्तों? इसका वैल्यू क्या है? A1 प्लस अप टू A11 का वैल्यू क्या है? 11 × 50 दैट इज 550। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? 550 प्लस बाकी कौन बचा? A6 दैट इज इक्वल टू 606। तो A6 क्या हो जाएगा? 606 माइनस 550, 6, 5, 56। तो A6 कितना है? 56। यार मैं एक समझाया इसलिए टाइम लगा, नहीं तो मैं सीधे कैसे करता पता है? ऐसे ही करता। देखो मैं बता दे रहा हूँ, सीधे अगर मैं करना चाहता तो मैं कैसे करता, मैं समझा देता हूँ। अगर सीधे, ये प्रैक्टिस से होता है दोस्तों, ये प्रैक्टिस से होता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपको उतना दिखेगा, समझ में आएगा आपको। देखो मैं कैसे करता, मैं देखता कि लास्ट पहला सिक्स का क्या है? 6 × 52। लास्ट सिक्स का क्या है? 6 × 49, और टोटल मुझे क्या मिला? 550। सीधा माइनस करता मैं तो मुझे आ जाता है आंसर 56। ओके, बस समझाने के लिए मैंने आपको ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी परसेंट ऑफ द प्रॉफिट अर्नड ऑन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 30% ऑफ द प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग प्राइस। अब देखो इसको करना कैसे है। अब सवाल क्या बोल रहा है? सवाल ये बोल रहा है दोस्तों, 30% प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब मान लो SP कितना है? 100, तो प्रॉफिट कितना होगा? 30%, यानी दैट इज 30। समझे कि नहीं समझे? तो CP कितना होगा? SP माइनस प्रॉफिट, दैट इज इक्वल टू 70। समझे कि नहीं समझे? अब सवाल क्या दिया था, हाउ मेनी परसेंट ऑफ द प्रॉफिट अर्नड ऑन कॉस्ट प्राइस, अर्नड ऑन कॉस्ट प्राइस, तो 30 प्रॉफिट है किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे निकालना, यानी 30/70 × 100 निकालो, 0 से 0 कैंसिल, 300/7, और 1/7 क्या होता है? 100/7 क्या होता है? 14.28%। तो 300/7 क्या हो जाएगा? 42.84%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना इजी है, अगर आप बैंकिंग फील्ड से हैं तो आप आराम से बना सकते हैं। लिली स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर
observes that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree. ये 60 degree है ये. When he retreats 40 meter from the bank, he find the angle to be 30 degree. Find the breadth of the river. मतलब मान लो ऐसा है. एक काम करते हैं ना. ये वाला bank of the river बना देते हैं. Okay. अब सवाल क्या दिया है? सवाल यह दिया है, observes that the angle subtended by a tree, ये मान लो ये tree है, ये tree है और ये tree का height मान लो h है, कितना है? Height h है. On the opposite bank is 60 degree, यानी ये मान लो opposite bank ये वाला है, ठीक है ना? Opposite bank ये वाला है. तो यहाँ से देखता है तो क्या angle बनता है? 60 degree, angle of elevation कहते हैं इसे. When he retreats 40 meter from the bank, यानी यहां से यहां वो चली जाती है 40 मीटर. तो ये कितना मीटर है? 40 मीटर. अब अगर ट्री को देखती है तो एंगल सबटेंडेड कितना हो जाता है? 30 डिग्री, है ना? तो अब पूछा क्या है? फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर. अब मैंने क्या बोला था? ये बैंक ऑफ द रिवर्स है ये और ये, यानी यही तो पानी ऐसा फ्लो कर रहा है, यानी इसको निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है. एक्स का वैल्यू निकालना है. देखो 1060 क्या होगा दोस्तों? व्हाट इज 1060? एच बाय एक्स, एच बाय एक्स. एंड व्हाट इज दैट 1060? रूट थ्री, दैट इज इक्वल टू एच बाय एक्स. सवाल समझे? अब मैं अगर निकालू 1030 डिग्री, दैट इज इक्वल 1030 क्या होगा दोस्तों? परपेंडिकुलर दैट इज एच बाय बेस, दैट इज 40 प्लस एक्स, एक्स प्लस 40. एंड व्हाट इज 1030? 1 बाय रूट थ्री, दैट इज इक्वल टू एच बाय एक्स प्लस 40. आर यू गेटिंग इट? हमें एक्स निकालना है. अब यहां से देखो दोस्तों, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट थ्री एक्स. तो 1 बाय रूट थ्री इज इक्वल टू एच की जगह पे क्या लिख सकता हूं? रूट थ्री एक्स बाय एक्स प्लस 40. ये फटाफट करना है आपको. रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स, थ्री एक्स, एक्स प्लस 40. सो 2x इज इक्वल टू 40, एक्स इज इक्वल टू 20. सवाल समझ में आया? तो x कितना है? 20. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो फटाफट करेंगे. इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13, ए टू कितना है? 13. एंड द सिक्स टर्म इज 25, सिक्स टर्म यानी ए सिक्स कितना है? 25. सबको पता होना चाहिए दोस्तों, फॉर्मूला पता होना चाहिए. व्हाट इज द नाइन्थ टर्म? ए नाइन पूछ रहा है. अब मुझे एक बात बताइए, ए टू क्या होता है? ए प्लस डी, दैट इज इक्वल टू 13. ए सिक्स क्या होता है? ए प्लस 5d, दैट इज इक्वल टू 25, है ना? देखो याद रखो, ए 100 अगर मैं बोलू ना, ए प्लस 99d, ऐसा ही करना आपको. ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है. डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है. अब इन दोनों को सॉल्व करता हूँ. ए प्लस 5d यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू 25. अब दोनों को माइनस अगर मैं करूं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 12, ए माइनस ए कैंसिल, डी माइनस 5d क्या हो जाएगा? माइनस 4d. डी से डी कैंसिल, 4 से 3 बार कटा, डी इज इक्वल टू 3. डी कितना आ रहा है? 3. यहाँ पे डाल दो, ए प्लस 5 इंटू डी की जगह पे 3 डालो, इज इक्वल टू 25. सो ए प्लस 15, दैट इज इक्वल टू 25, ए इज इक्वल टू 10. ओके, तो ए 9 क्या होता है दोस्तों? ए प्लस 8d. ए कितना है? 10 प्लस 8 इंटू डी कितना निकला हमारा? 3. That is 10 plus 24. Answer is 34. बात खत्म. इतना easy है. Time भी ज़्यादा नहीं लग रहा है आपको. Next question पे आते हैं. 7800 rupees 7800 are distributed among A, B, C. The share of A is 34. ये 34 नहीं है, 3/4 है. माफ करना. Question में ठीक है ना? Type करते वक्त थोड़ा गलत हो गया. अब क्या बोल रहे हैं? मैं समझा दे रहा हूँ. The share of A is 3/4. Share of B. एंड द शेयर ऑफ बी इज 2/3 ऑफ द शेयर ऑफ सी. ओके, मतलब ए कोई इंसान है, बी कोई इंसान है और सी कोई इंसान है. द शेयर ऑफ ए इज 3/4 द शेयर ऑफ बी. मतलब ए अगर 3 है तो बी का शेयर कितना होगा? 4. एंड शेयर ऑफ बी इज 2/3 ऑफ शेयर ऑफ सी, यानी बी का 2 है तो शेयर ऑफ सी कितना होगा? 3. अब ऐसे रेशियो को कैसे बराबर करते हैं? देखो, यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ पे 4 लिख दो. अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12. ओके, अब काटो, 3:4:6 हो जाएगा. मैंने 2 से काटा, 3, 4, 6. तो रेशियो आ गया a is to b is to c का 3:4:6. अब पूछा क्या था? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी. शेयर ऑफ बी एंड सी का डिफरेंस क्या है? यूनिट में देखें तो 2 यूनिट्स. इनका डिफरेंस क्या है? 2 यूनिट. आउट ऑफ टोटल कितना? 6 + 4 = 10, 10 + 3 = 13. ओके, और टोटल कितना मिला था उनको? 7800. तो 7800 कर दूंगा ऐसा, 13 से 600 बार कटा, 2 × 600, दैट इज 1200. आंसर, बात खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ इसको.
The marked price of a radio is this much. MP दिया है आपको 480. The shopkeeper allows a discount of 10%. Discount कितना दिया उसने? 10%. अब मुझे बोलो तो SP क्या हो जाएगा? 90% of MP, that is 480. तो 90% क्या होगा दोस्तों? 72, 7, 9, 4, 36, 432. तो SP कितना आ गया? 432. अरे 10% discount है, तो selling price 90% होगा. And still gains 8%. यानी गेन अभी भी कर रहा है 8%, यानी 432 जो बराबर है 108%. अगर गेन 8% है तो एसपी कितना होना चाहिए? 108. और अगर रुपीस में देखें तो 432 है. इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड फाइंड हिज गेन परसेंट. अच्छा मुझे एक बात बोलो, अगर 108% बराबर 432 है तो 100% बराबर किसके होगा? 432 बाय 108 इनटू 100, ये चार बार कटा तो सीपी कितना आया दोस्तों? 400. Why CP is 400? Because CP is taken as 100%. अब सवाल क्या बोल रहा है? If no discount is allowed, मैं discount नहीं देता अभी. अभी discount नहीं है यहाँ पे. तो मैंने discount नहीं दिया, तो selling price मतलब mark price 480, discount नहीं दिया तो उसी में ही बेचूंगा. नहीं नहीं, अब मेरे लिए SP क्या हो जाएगा? 480. Discount नहीं दिया ना मैंने, तो उसी mark price में बेचूंगा. तो अब पूछा क्या है? Find is gain percent. अब यहाँ पे gain कितना हो रहा है दोस्तों? 80 रुपए का gain हो रहा है. 400 और ये 480, 80 का गेन हो रहा है. 80 का गेन किस पे हो रहा है? सीपी पे हो रहा है. कितना? 400 इंटू 100, 0-0 कटा, ये 20% गेन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. चलो, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टन सम ऑफ सर्टन सम फॉर टू इयर्स एट 3% बी रुपीज दिस मच, व्हाट वुड बी दी एसआई. अब करना कैसा है देखो. कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है आपको? यहाँ पे दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं. अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो 3% है दो साल के लिए. तो दो साल के लिए है तो ये वाला डाल दो सक्सेसिव परसेंटेज, 3 + 3 + 3 × 3/100 = 6 + 9/100 = 609/100% हो गया ये कौन? कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, बात समझे कि नहीं समझे? ओके फाइन. अब मुझे बोलो, अगर 3% से एसआई है तो दो साल के लिए क्या होगा? एसआई का क्या होता है? डायरेक्टली मल्टीप्लाई होता है, 6% हो जाएगा एसआई. अब अगर मैं रेशियो निकालने का प्रयास करूं दोस्तों, एसआई बाय सीआई, एसआई कितना है? 6%. सीआई कितना है? 609/100%. परसेंट से परसेंट कैंसिल, 6 × 100 / 609 हो जाएगा, है ना. अब CI हमें यहाँ पे मतलब SI by CI आ गया 6 × 100 / 609, और हमें यहाँ से CI पता था, हमें CI दिया गया. देख लो, CI दिया गया कि नहीं? दो साल के लिए 101.5. तो कैसा करना है? यानी इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, SI is equal to क्या हो जाएगा? CI जाके इधर मल्टीप्लाई होगा, 6 × 100 / 609 × CI का वैल्यू क्या था? 101.5 था. यानी पॉइंट को हटा दूं तो 10 ऐसा हो जाएगा, है ना. अब इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं काटा छाटा करूं, 3 × 2 = 3, 3 × 2 = 3, तो ये तो 5 बार जा रहा है, 1 से 1 बार कटा, 5 × 10 = 10, 10 × 10 = 100. तो ऐसा ही कितना आ रहा है? 100 रुपीज. काफी इजी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 62, यानी A1 + A2 क्या हो जाएगा? 2 × 62. एवरेज है मीन्स टू नंबर यानी बाई टू. टोटल क्या हो जाएगा? 2 × 62, यानी A1 + A2 हो जाएगा 4, 12, 124. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं. इफ 2 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर, मान लो A1 स्मॉलेस्ट है, अब मैंने 2 एड कर दिया, द रेशियो बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर बिकम 1:2. यानी इनका रेशियो, अब A1 + A2 और 2 का रेशियो, A2 का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा. द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स इज क्या हो जाएगा, है ना. अब सवाल, ऐसे सवाल को करना कैसे? देखो, अब क्या करूंगा मैं, A2 × 1 क्या हो जाएगा? A2. अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × A1 = 2A1 + 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब A2 का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, A1 + A2 का वैल्यू क्या है? 2A1 + 4 = 124. ये क्या हो जाएगा? 3A1 = 120. 40 बार कटा, सो A1 का वैल्यू क्या आया? 40. यहाँ पे डाल दो, A2 = A1, 40 है, 2 × 40 = 80, 80 + 84. इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, 84 और 40 का डिफरेंस क्या होता है? 44. आंसर खत्म.
ऐसे ही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, सम ऑफ रुपीज 600 अमाउंट्स टू रुपीज दिस मच इन 4 ईयर्स, यानी 600 था वो क्या बन गया, 740 बन गया 4 साल में। ओके, तो इन दोनों का व्हाट विल बी द अमाउंट टू इफ व्हाट विल द अमाउंट व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2% इन द सेम टाइम। ओके, अब मुझे बोलो कि पहले हम रेट निकालते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मतलब एसआई के बारे में बात कर रहे हैं। तो 4 साल के लिए एसआई क्या हो जाएगा दोस्तों, 120, ये 4 साल के लिए है। तो एसआई 1 साल के लिए क्या हो जाएगा, 120/4 30 हो जाएगा। तो एसआई कितना आ रहा है 1 साल के लिए, 30 रुपया आ रहा है। अब रेट परसेंटेज क्या होता है, रेट परसेंटेज मतलब कितना एसआई मैंने गेन किया 1 साल में, 30 गेन किया आउट ऑफ 600 मेरा प्रिंसिपल था इंटू 100, रेट परसेंट निकलेगा 5, तो रेट परसेंट कितना आया 5%। अब सवाल क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2%, अब रेट कितना हो गया 7% हो गया इन द सेम टाइम। अच्छा, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो मुझे एक बात बोलो, प्रिंसिपल हमारा कितना था 600, अब रेट कितना है 7%, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, तो 1 साल के लिए 7%, तो 4 साल के लिए 28%, तो 28% ऑफ 600 निकाल दो, 28 इंटू 6 कर दो, 168 हो जाएगा SI। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल था 600 और SI मिला 768। आंसर बात खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, मैं हड़बड़ में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जाम टाइप में कर रहा हूँ, अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं कैसे करता, तो आपको समझा भी रहा हूँ कर भी रहा हूँ, है ना, थोड़ा लंबा सेशन खींचेगा लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 386, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 386। इफ वन ऑफ द नंबर इज 5, ए कितना है 5, ही अदर विल बी, देखो कितना ईजी है, यानी 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 386, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 386 माइनस 25, 1631, बी स्क्वायर इज इक्वल 361, तो बी इज इक्वल टू कितना 19, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज दिस मच बी इज दिस मच देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच। ओके, 25 ए स्क्वायर प्लस 40 AB प्लस 16 B² क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5A प्लस 4B का होल स्क्वायर, बिकॉज अगर इसको खोलोगे ब्रैकेट तो यही मिलेगा, तो ये दिमाग में सोचना है आपको, 5 इंटू ए का वैल्यू कितना है 23 प्लस 4 इंटू बी का वैल्यू कितना है माइनस 29 उसका होल स्क्वायर। ओके, 5 इंटू दिस इज 15 115 प्लस माइनस माइनस 4 120 माइनस 4 126 उसका होल स्क्वायर, सही कर रहा हूँ ना, 31 20 636 3, अरे 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 100 दिस मच होगा, तो ये माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, आंसर खत्म। नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करना है। देखो, अब पहले अंदर की ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, माइनस 5 प्लस 6 दैट इज 1, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है माइनस 1, ये बाहर में कितना है इंटू 2। ओके, इसको करके दिखा देता हूँ, फिर बोलोगे कि सर कंफ्यूज करा दिया। देखो, 1 माइनस 5 माइनस 2 प्लस, अब इसका वैल्यू कितना आ रहा है माइनस 1 इंटू 2। ओके, सो 1 माइनस 5 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2, कुछ गलत हो गया क्या, 2 प्लस माइनस माइनस 2, ओके फाइन, 1 माइनस, अगर मैं देखूं यहाँ पे 2 माइनस 2 कितना होता है, 2 माइनस 2 कितना होगा दोस्तों, 2 माइनस 2 तो 0 होगा, तो 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4, देख लेना कैलकुलेशन शायद सही है, माइनस 5 प्लस 6, ओ माई गॉड 1, ओके फाइन, दिस इज फाइन, ठीक है, माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2 दैट इज माइनस 2, 2 माइनस 2 0, देखो ऐसे चीजों पे फंस जाते हैं लेकिन सही है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ए सैलरीज इंक्रीज बाय 12% ओवर द लास्ट ईयर एंड हैज बिकम दिस मच, मतलब पहले कुछ था अब कितना हो गया है 6720, और ये 12% बढ़ा है बोल रहा है, मतलब अगर पहले 100% था तो अब 112% है, मतलब 112% का मीनिंग क्या है दोस्तों, 6720, तो 100% का मीनिंग क्या होगा 6720 बाय 112 इंटू 100, तो अगर मैं देखूँ इसको किससे काटूँ, 6 से काट के देखता हूँ, 6 एक बार कट, नहीं, 6 से नहीं कटेगा,
इसको एक काम करते हैं, 56 3 36 0, इसको फिर काटते हैं 14 बार, ये कटेगा 4 8 बार, 40 बार, 14 6 जा 60, 60 × 100 = 6000, यानी पहले कितना था, 6000 था। बात समझे कि नहीं समझे? ओके, अब कितना हो गया, 6720 हो गया। अब क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी हिज नेक्स्ट ईयर सैलरी, नेक्स्ट ईयर सैलरी क्या होगा इफ इट इंक्रीजेस बाय 20%। मतलब ये बोल रहा है कि 6000 था, अब अगर 20% बढ़ जाता है, मतलब कितना हो जाता है, 120% हो जाता है, तो अब इसका सैलरी क्या होगा। अब देखो 20% बढ़ गया तो 120% हो गया, तो 120% इसका वैल्यू क्या होगा, सो 120% ऑफ 6000, 2 से 0 2 कैंसिल, 00 7200। नेक्स्ट, समझ गए ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन जो है 150 मीटर लॉन्ग है, टेक्स 30 सेकेंड्स टू क्रॉस ए ब्रिज 500 मीटर लॉन्ग, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, ट्रेन का लेंथ प्लस ब्रिज का लेंथ। ओके, कितना सेकंड लगा रहा है, 30 सेकेंड्स लगा रहा है, सो टाइम दिस इज डिस्टेंस दैट विल गिव यू स्पीड, सो ये 150 है और ब्रिज का कितना है, 500 है, कितना टाइम लगा रहा है, 30 सेकंड लगा रहा है, तो ये स्पीड ऑफ द ट्रेन मिल जाएगा हमें, तो ये कितना है, 650/30 दैट इज इक्वल टू ट्रेन का स्पीड, तो ट्रेन का स्पीड आया दोस्तों 65/3 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल ये पूछ रहा है हाउ मच टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना देखते हैं, विल द ट्रेन टेक टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म 370 मीटर लॉन्ग, यानी प्लेटफॉर्म का लेंथ 370, ट्रेन का खुद का लेंथ कितना था, 150 मीटर था, बाय डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितना है, 65/3, 65/3 यानी 3 ऊपर चला जाएगा, एम राइट? अब इसको अगर हम सॉल्व करें दोस्तों, तो 0 से 0 5 ये 2 1 ये 520 इंटू 3/65, 5 से काटे 13 बार, 5 से 1 जो 4, मुझे नहीं लगता कि और कटेगा कहीं पे, है ना, इतना ही आंसर आने वाला है शायद, 13 से कौन से में कटेगा यार, 8 बार तो कटेगा, 8 8 × 3 दैट इज 24 मीटर, 24 सेकेंड्स लगेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, देखो इनको डिफरेंस निकालो, 9 4 हो जाएगा, 28 से 22 6 हो जाएगा, अब इसका नहीं पता, इसका नहीं पता, इसका 9 4 5 2, तो ये 5 ये कितना हो जाएगा, 6 40 से 39 16, तो मुझे तो पता चल गया, आइडिया आ गया, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, अगर यहाँ पे मान लो 6 का स्क्वायर होता, 7 का स्क्वायर होता, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर है, तो ये पक्का ये 7 का स्क्वायर डिक्रीज होगा, यानी 49 इंक्रीज हो रहा है ये सब, है ना, तो 49 इंक्रीज होगा, तो 289 + 49 18 12 13 338 आंसर। सवाल समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द प्राइस ऑफ कोल इज इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट द कंजम्पशन ऑफ कोल मस्ट बी रिड्यूस्ड सो एज दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट इंक्रीज्ड। सी माय डियर, प्राइस इनटू कंजप्शन दैट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, अगर मान लो पहले प्राइस 100 था, कंजप्शन 100 था, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 100 × 100 ऐसा हो जाएगा, है ना। अब प्राइस बढ़ गया है 25%, तो ये 25% बढ़ गया, मतलब ये कितना हो गया, 125। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ कंजप्शन मस्ट बी रिड्यूस्ड सो एज टू एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, नॉट इंक्रीज्ड, यानी उतना ही आना चाहिए, 10,000 ही आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा हमें नहीं पता, तो यहाँ पे x का वैल्यू मान लो, ये वाला x बना लिया मैंने, सो x का क्या हो जाएगा, 10,000/125, 25 से 5 बार, 25 से 400 बार, 80 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80, तो 100 से 80, यानी 20% का डाउन हुआ ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज दिस मच, दोस्तों आज से आपको याद रखना पड़ेगा, n माइनस 2 इंटू 180, ये फॉर्मूला होता है टोटल एंगल ऑफ ए पॉलीगन, टोटल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा, n इज द नंबर ऑफ साइड्स। ओके, टोटल इंटरनल एंगल कितना बता रहा है, दिस मच 1440, तो यहाँ पे n माइनस 2 इज इक्वल टू 1440/180, ये 18 से जाएगा तो 6 8 बार जाएगा, सो n इज इक्वल टू -2 उधर आएगा तो 10, यानी दिस इज ए डेकागोन। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे दोस्तों। ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:1, कितना है ये 5:1। ऑन एडिंग 5 liters ऑफ वाटर, अगर मैं यहाँ पे 5 liter वाटर ऐड करता हूँ, 5 liter वाटर ऐड किया, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 5:2। अब ये क्या हो जाता है 5:2। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर, ओरिजिनल मिक्सचर में कितना क्वांटिटी मिल्क था। अब देखो मैंने मिल्क ऐड किया, सॉरी वाटर ऐड किया, तो मिल्क तो वही रहेगा, और यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 है तो ऑलरेडी सेट है, और इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखूं 1 और 2 का, तो 1 यूनिट बराबर कितना है 5 लीटर। अब पूछा गया था मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर, मिल्क ओरिजिनल मिक्सचर में कितना था 5 था, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 25 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, अब ऐसे सवाल को पहले यहाँ पे देखना है, 0.9 के पावर में दिया है, तो हमें हर किसी को 0.9 के पावर में बनाओ, तो ये 0.9 का स्क्वायर होगा, 0.9 का स्क्वायर है, और फिर बाहर में एक पावर है तो ×2 डिवाइड बाय, ये क्या है 0.9 का क्यूब है, और फिर बाहर में एक पावर 3 है ×, ये क्या है 0.9 का स्क्वायर है। समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तो डायरेक्टली करता, ये एक्स माइनस 3 है, ये 2 × 2 = 4 डिवाइड है तो माइनस करोगे, 3 × 3 = 9 ×, है तो प्लस करोगे, ये क्या है 2। अब ये क्या है x माइनस 3, दिस इज माइनस 5, दिस इज माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके फाइन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 से 14 = 84 डेसिमल डेसिमल डेसिमल, अच्छा 2 × 7 करूंगा तो पहुंचूंगा, 14 × 6 करूंगा तो 84, 84 हाँ × 5 करूंगा तो पहुंच जाऊंगा, × 4 करूंगा तो पहुंच जाऊंगा, × 3 करूंगा तो पहुंच जाऊंगा, × 2 करूंगा तो यहाँ पे भी 0 10 10,080 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5 years ago the father's age was 3 times that of his son, यानी फादर यहाँ पे है, सन यहाँ पे, 5 साल पहले फादर 3 times था, यानी 3:1 था, 5 years hence the ratio between the ages of the father and the son becomes 11:5, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद रेशियो क्या हो जा रहा है 11:5 हो जा रहा है, फाइंड द फादर्स प्रेजेंट एज। अब मुझे एक बात बताइए, एज एज के प्रॉब्लम में ना, मान लो मैं और मेरा बेटा का डिफरेंस है 3 साल, तो अगर मान लो मुझे आज 50 हो रहा है, उसको 47 हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं और मेरा बेटा का एज कैसे 3 का डिफरेंस होगा, तो समझ जाइए, अगर मान लो मुझे हो रहा है 25 साल, ओके, जो कि है मुझे, अब मान लो मेरा भाई है, उसका एज है 20 साल, तो 5 का डिफरेंस है, तो आने वाले 5 साल के बाद, 5 years के बाद मुझे कितना एज हो गया होगा 30 साल, मेरे भाई को कितना हो गया 25 साल, तब भी तो डिफरेंस 5 years आ रहा ही नहीं आ रहा है, तो ये डिफरेंस जो है ना दोस्तों, यही खेल करता है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना है 2 है, फादर सन का डिफरेंस यहाँ पे कितना है 6 है, तो ये 2 और 6 तो बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी हाँ 3 से, तो ये 9 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, अब ये रेशो हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भूल जाना है, अब ये तो कुछ नहीं किया था तो उसको वैसे ही रहने दो, सो 9 और 3 का डिफरेंस 6, और यहाँ भी डिफरेंस 6, ओके फाइन विद दैट। अब मुझे एक बात बताइए, जस्ट अ मिनट, ये फादर है, ये जस्ट अ मिनट रुक जाओ, ये फादर है, ये सन है, ये कितना आया था 9:2, भूल गया मैं, क्या आया था भाई 9:2, ये कितना था 3:1, सो 9:3, 9:3 था, है ना। अब यहाँ पे मान लो ये प्रेजेंट एज है, ये 5 साल पहले की बात कर रहा था, ये 5 साल के बाद की बात कर रहा था, अगर हम चेक करें दोस्तों, तो अगर इनके इनका रेशियो में डिफरेंस देखें तो ये 3 और 2 2 यूनिट है, और अगर एज में देखें 5 साल पहले और 5 साल बाद, इन टोटल डिफरेंस कितना है 10 साल, सो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। फादर्स का प्रेजेंट एज पूछा है, अच्छा तो 9 यूनिट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 तो 9 यूनिट्स का वैल्यू 45, तो इस टाइम पे ये 45 था 5 साल पहले, तो आज वर्तमान में कितना होगा 50 साल। समझाने के लिए थोड़ा टाइम हो गया, लेकिन टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 persons स्टार्ट वॉकिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस एट 5 km/h एंड 4 km/h, यानी ये अगर इंसान ऐसा 5 km/h में जा रहा है, और ये इंसान अगर मान लो 4 km/h में जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन वॉक कर रहे हैं लोग, ओके,
आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे बी 45 किलोमीटर अपार्ट, कितने घंटे के बाद ये दोनों आपस में 45 किलोमीटर पर आवर होंगे। अच्छा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा दोस्तों, ये दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, एड हो जाता है ना, 5 + 4 दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड है ये। डिस्टेंस क्या दिया है आपको, 45 किलोमीटर दिया है। सो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 45, स्पीड कितना है 9, सो ये कटा 5 बार, 5 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए कैस्क कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 49 लीटर्स ऑफ वाइन इन वाटर इन द प्रोपोर्शन 5:2, यानी वाइन और वाटर का रेशियो क्या है 5:2, ओके। और इन टोटल के वैल्यू क्या दिया है, 49 दिया है ना, क्योंकि जो कैस्क है वहां पे 49 लीटर है टोटल, यानी यहाँ पे वाइन भी है और वाटर भी है, तो ये बाद में देखेंगे इसको। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, मैं वाटर कितना एड करूं, एक्स लीटर एड करता हूं मान लो, सो दैट द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर बिकम 7:4। अब रेशियो क्या हो जाएगा, 7:4 हो जाएगा बोल रहा है। अच्छा मुझे एक बात बोलो, मैंने क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, तो वाटर में परिवर्तन होगा लेकिन वाइन तो कुछ नहीं किया, तो वाइन 5 है यहाँ पे 7 है, तो इनको तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको इंटू 7 करूंगा, इसको बराबर करने के लिए इंटू 5 करूंगा, 7 × 5 दैट इज 35, 7 × 2 दैट इज 14। अब ये रेशियो लिख दिया तो ये वाला भूल जाओ, 5 × 7 दैट इज 35, 5 × 4 दैट इज 20। अब ये रेशियो लिख दिया तो इसको भूल जाओ, जिसको भूल गया इसको मिटा देता हूं, समझ गया ना मैं कैसे कर रहा हूं। तो एक्स लीटर ऐड किया था वाटर, मुझे एक बात बोलो दोस्तों, मुझे एक बात बोलो, ये जो अभी है ना इसका टोटल कितना दिया है, 49, यानी 35 + 14 यानी 49 यूनिट्स बराबर कितना लीटर, 49 लीटर, यानी एक यूनिट बराबर कितना होगा, एक लीटर, एक यूनिट बराबर एक लीटर। अच्छा मुझे एक बात बोलो, अब वाइन तो उतना ही है, वाटर मैंने ऐड किया, कितना ऐड किया, 14 से कितना बन गया 20, यानी 6 यूनिट ऐड किया, तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 1 लीटर, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 6 लीटर, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करें, 3 लिख देता हूं, 3, 5, 6, 11, 9, 17, 12 एक्स। अब देखो दोस्तों यहाँ पे दिमाग लगाना है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूं, यहाँ पे 1 लिखूं, यहाँ पे 5, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। करना कैसा है देखो, अब अगर ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे, 3 + ये 3 हो रहा है, ये +3 हो रहा है, ये +3 हो रहा है, अल्टरनेट सीरीज में चल रहा है, तो ये कितना हो रहा है, +6 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, +6 हो रहा है, तो ये भी +6 होगा, यानी आंसर क्या होगा, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, यानी ए और बी अगर मिलकर काम करें तो 12 दिन में काम निपटा देंगे, बी एंड सी कैन वर्क इन 15 डेज, बी और सी अगर काम करें तो 15 दिन में निपटा देंगे, सी एंड ए इन 20 डेज, सी और ए अगर काम करें तो 20 दिन में निपटा देंगे। तो टोटल वर्क क्या होता है, उनका एलसीएम होता है 60 होगा। अब एफिशिएंसी क्या होगा, 60/12 दैट इज 5, इसका एफिशिएंसी क्या होगा, 60/15 दैट इज 4, दिस इज 3। ओके फाइन विद दैट, फाइन विद दैट। अब एफिशिएंसी है यहाँ पे, अब एक काम करते हैं, इन सबको ऐड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, a + a 2a, b + b 2b, c + c 2c, यानी 2 times ऑफ a + b + c। गलती से भी डेज को कभी ऐड मत करना, डेज कभी ऐड नहीं किया जाता है ना, डेज कभी ऐड नहीं किया जाता, एफिशिएंसी ऐड किया जाता है, 5 + 4 9, 9 + 3 12, सो 2 से अगर ये 6 बार कटा, सो a + b + c का एफिशिएंसी क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। और सवाल क्या दिया है देखते हैं, If A, B and C work together, they will complete the work. वो कितने दिन में काम खत्म कर लेंगे? मुझे एक बात बोलो, what is work? Days into efficiency. कितने दिन में बोल रहा है, यानी days is equal to क्या हो जाएगा? Work by efficiency. Work कितना है? 60. Efficiency क्या है? सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, यानी a + b + c. Efficiency क्या है? 6. तो क्या हो जाएगा आंसर? 10 days में खत्म कर देंगे. Next question पे आते हैं. चलो ये question कर सकते हो क्या? इसको छोड़ दूँ, आप करोगे? आप करोगे या मैं कर दूं? चलो यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज चल रहा है, ये +5 तो ये भी +5, आंसर होगा 28। कैसे पता चला? क्योंकि 25 + 5 भी चल रहा है। ओके फाइन विद दैट। अब और एक क्वेश्चन बच गया था, और एक क्वेश्चन बच गया था, ये वाला क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 0.01
प्लस अंडर रूट ऑफ 0.81 प्लस अंडर रूट ऑफ 1.21 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.0009। ये क्या हो जाएगा 0.1 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.9। ये क्या हो जाएगा 121 यानी 11 होता है तो पॉइंट दो प्लेसेस है तो 1.1। ये क्या हो जाएगा चार प्लेसेस है तो दो पॉइंट लगेगा यानी 0.03। ऐड करो बस, ये 3 हो जाएगा 9 एक 10 एक 11 यहाँ पे हो जाएगा 2.13। आंसर इज 2.13। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे एंड आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द सीरीज। और जो 35-36 मिनट का वीडियो बना इसलिए बना क्योंकि मैं पूरा मॉक को खत्म कर रहा था, पूरा मॉक को खत्म कर रहा था दोस्तों, समझा रहा था इसलिए इतना टाइम लगा। लेकिन इतने इजी सवाल आते हैं दोस्तों तो कभी आजमा के तो देखो, है ना। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, ये तो अलग बात है, बट कोशिश भी ना करिए तो गलत बात है ना। आप कोशिश तो करो, कोशिश करो, देखो आपका सही होगा, है ना। आप कर सकोगे। अगर आप बैंकिंग के लिए अगर आप पढ़ते हो, मान लो 10 घंटा भी पढ़ते हो, इसके बाहर में 2 घंटा जनरल स्टडीज के लिए दे दो, ये भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी बार बार नहीं आया करता, ये आपको समझना पड़ेगा। बैंकिंग की वैकेंसीज तो बार बार आते हैं और ये 10-10 घंटा अगर आप बैंकिंग लिए पढ़ रहे हो, 2 घंटा जीएस के लिए पढ़ो, 12 घंटा हो गया, 12 घंटा सो जाओ भाई, क्या काम है फिर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू ऑल, टेक केयर।